सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं बोरू के बारे में। ये कहानी है टर्की के स्पेशल फोर्सेस की, जिन्होंने यहाँ के सबसे बड़े खतरे का सामना किया। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने अकारा का दृश्य आता है। तभी यहाँ पे पुलिस स्पेशल कमांड सेंटर के पास एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तब हम बिल्डिंग के अंदर एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है काया, और काया के पास एक मासूम सी बच्ची है। लेकिन वो बच्ची बहुत ही ज्यादा डरी हुई है क्योंकि हादसा बहुत ही भयानक था, इसीलिए काया इस बच्ची को संभालने की कोशिश कर रहा है। तभी हमारे सामने बाहर का दृश्य आता है और यहाँ पर हम हर तरफ घायल लोगों को देखते हैं जो दर्द से कराह रहे हैं और पुलिस वाले उनकी मदद कर रहे हैं। तभी यहाँ पर हम एक और पुलिस वाले को देखते हैं जिसका नाम है तुरन, और तुरन अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसके सारे के सारे साथी घायल हो चुके हैं, इसीलिए वो अपने सारे साथियों को बाहर निकाल रहा है, जितने भी लोग नीचे धसे हुए हैं। लेकिन जब वो सबको निकाल रहा होता है तभी वो देखता है कि उसके बहुत सारे साथियों की मौत हो चुकी है, इसीलिए अब तुरन टूट जाता है। फिर हमारे सामने एक अनाथ आश्रम का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो बहुत ही उदास है क्योंकि उसने अपने माता पिता को खो दिया है। तभी यहाँ की वार्डन उससे बात करती है और कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब सरकार तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम्हें जितनी भी चीजों की जरूरत है तुम्हें वो सारी चीजें दी जाएंगी। तब हमें पता लगता है कि इस लड़के का नाम है केमाल। तभी हम एक और अनाथ बच्चे को देखते हैं जो अपने हाथ पे भेड़िया बना रहा होता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसका नाम पूछता है। तब वो कहता है कि सारे लोग मुझे ऑर्फेन कह के बुलाते हैं। लेकिन जब ये आदमी इससे थोड़ी देर बात करता है तब उसे पता लगता है कि इसका नाम है टोलगा। और अब कहानी आ जाती है वर्तमान समय में, और हम देखते हैं कि टोलगा बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन इस हादसे ने उसके बहुत सारे साथियों को उससे दूर कर दिया है, इसीलिए टोलगा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तभी उसका साथी उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो केमाल के बारे में। तब टोलगा उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी हम केमाल को देखते हैं जो एक कुर्सी पे बंधा हुआ है और उसके पास बहुत सारे सिपाही मरे हुए पड़े हैं। तब वो अपने पास के सिपाही को इशारा करता है और जमीन पे नीचे गिर जाता है और उसके सिपाही की मदद से अपने हाथों को आजाद करवा लेता है। तभी हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, और तुरंत को याद आता है कि उसकी बेटी बिल्डिंग के अंदर है, इसीलिए वो भागता हुआ जाता है बिल्डिंग के अंदर। तभी वो देखता है कि उसकी बेटी अभी भी सुरक्षित है और वो काया के पास है। तब हमें ये बात पता लगती है कि काया और टूरन भाई है, इसीलिए अब टूरन अपने भाई को जिंदा देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश है। तभी दूसरी तरफ हम केमाल को देखते हैं और उसके आसपास बहुत सारे सिपाही हैं, लेकिन एक सिपाही अब अपने ही साथियों को मारने लगता है ताकि वो केमाल को बाहर लेकर के जा सके। फिर हमें पता लगता है कि ये सारी की सारी प्लानिंग टोलगा की है। टोलगा चीफ को मारना चाहता था और उसने इन सारे लोगों को खरीद लिया था, लेकिन ये सिपाही बिकाऊ नहीं है, इसीलिए उसने सारे लोगों को मारा और अब वो केमाल को लेकर के यहाँ से भाग रहा है। तभी हम पुलिस चीफ इरफान को देखते हैं जो इस हादसे से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया है, इसीलिए वो अपने सारे साथियों को कहता है कि सारे के सारे लोग तैयार हो जाओ और जितना ज्यादा हथियार है सबको गाड़ी में भरो, हम उन सारे लोगों को सबक सिखाएंगे जिन लोगों ने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है। तब उसके साथी उसे समझाने लगते हैं और कहते हैं कि आपकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए आपको इलाज की जरूरत है। लेकिन अब इरफान किसी की बात नहीं सुनता और कहता है कि मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं इन लोगों को मौत के घाट न उतार दूंगा। फिर ये सारे लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन जब ये रास्ते में होते हैं तब अपने दूसरे टीम से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका कॉन्टेक्ट किसी से भी नहीं होता, और इन्हें ये बात भी पता लगती है कि केमाल को अगवा कर लिया गया है। तभी दूसरी तरफ हम केमाल को देखते हैं जो धीरे धीरे करके बाहर निकल रहा है, और उसके साथ एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसको इन लोगों ने बंधक बना करके रखा था। लेकिन टोलगा के लोग हर जगह फैले हुए हैं, इसीलिए वो लोग इन पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं, लेकिन केमाल और उसके साथी भी उनका मुकाबला कर रहे हैं और सबसे लड़ते हुए वो आगे आते हैं। तब उनकी मुलाकात होती है ब्रिगेडियर से, और केमाल सारे लोगों को ब्रिगेडियर के हवाले कर देता है और कहता है कि इन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाइए, मैं टोलगा के पीछे जा रहा हूँ, कैसे भी मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। तभी हम टोलगा को देखते हैं जो शहर के बीचों बीच घूम रहा है, वो भी एक टैंक के साथ, और वो सारे लोगों को इशारा करता है कि अगर जरा सी भी हलचल हो तो उसके सामने जो भी आए वो लोग उसे उड़ा दे। फिर ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। तभी टोलगा एक छोटे से बच्चे को देखता है जिसके हाथ में झंडा है। फिर वो उस बच्चे को कहता है कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए, तुम्हें पता भी नहीं है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन वो बच्चा मना कर देता है। तभी हम इरफान को देखते हैं जो अपने सारे साथियों को आगाह कर रहा है और उन्हें अलग अलग टीम्स में बांट रहा है। जब यहाँ पर हमला हुआ उससे पहले उन लोगों ने यहाँ पे नेटवर्क जैमर लगा दिया था, इसीलिए सारे लोग किसी से भी कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे। फिर इरफान एक ग्रुप को भेजता है जो जा करके उस जैमर को हटाए, और दूसरे ग्रुप को भेजता है सारे के सारे ब्रॉडकास्टर्स के पास, क्योंकि इरफान नहीं चाहता कि यह खबर बाहर जाए और लोग इसको देख करके परेशान हो, इसीलिए अब सारे लोग निकल पड़ते हैं अपने अपने काम पे। तभी हम केमाल को देखते हैं अपने साथी के साथ जो ऐसे ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये लोग भी किसी हाई कमांडिंग ऑफिसर से कांटेक्ट नहीं कर पाते। तभी इनके सामने आकर के एक गाड़ी रुकती है और गाड़ी से बाहर आते हैं कैप्टन उस्मान। फिर ये लोग उस्मान को सारी बातें बता देते हैं और उसके साथ ही उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं ताकि हाई कमांडिंग ऑफिसर्स के पास जा सके।
लेकिन जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, उस्मान केमाल को बता देता है ब्लास्ट के बारे में। केमाल को अब तक ब्लास्ट के बारे में पता नहीं था क्योंकि उसे पहले ही अगवा कर लिया गया था। इसलिए इन बातों को सुनने के बाद अब केमाल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस्मान को बताने लगता है कि टोलगा के मंसूबे क्या है, आखिर वो यहाँ पे क्या करना चाहता है। अगर वो जो चाहता है वो हो गया तब इस शहर में कोई भी सरकारी अफसर नहीं बचेगा, वो सबको मौत के घाट उतार देगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इन्हें प्लानिंग करनी पड़ेगी उसे रोकने की। तभी ये लोग अपने सामने बहुत सारे सिविलियंस को देखते हैं और ये सारे लोग अपने देश के झंडे को लेकर के बाहर आ गए हैं। तब इस चीज को देख करके उस्मान परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर ये लोग ऐसे ही बाहर रहे तो बहुत सारा खून बहने वाला है आज, क्योंकि मुझे लगता है कि टोलगा अब कुछ भी कर सकता है। तभी हम आसमान में कुछ फाइटर प्लेन्स को देखते हैं और ये सारे लोग एक ही प्लेन के पीछे हैं और उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस प्लेन से इन्हें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा। फिर ये लोग उस प्लेन पे गोलियां चलाने लगते हैं और यहाँ पर भी युद्ध शुरू हो जाता है और सारे प्लेन अब एक दूसरे के पीछे होते हैं। तभी हम इरफान को देखते हैं और इरफान सारे लोगों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका कॉन्टेक्ट किसी से नहीं हो रहा। और अगर वो किसी से कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएगा तब इन्हें यहीं रुकना पड़ेगा और ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए इरफान बहुत परेशान है, लेकिन ये लोग ऐसे ही कोशिश करते रहते हैं। तभी इनका कॉन्टेक्ट होता है हेडक्वार्टर में। तभी इन्हें पता लगता है कि हेडक्वार्टर वाले जानबूझ के हर बार फ्रीक्वेंसीज को बदल रहे हैं, क्योंकि अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो हेडक्वार्टर में बहुत सारे आतंकवादी घुस आए हैं, वो उनकी सारी बातों को सुन लेंगे और जितने भी लोग अंदर है बात उनके जान पे बनाएगी। फिर इस बात को सुनते ही इरफान और पागल हो जाता है और अपनी टीम को लेकर के जाने लगता है इन्फॉर्मेशन सेंटर की तरफ और वो सबको बताता है कि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो इनका अगला चीफ कौन होगा। तभी हम केमाल और उस्मान को देखते हैं जो हेडक्वार्टर के बाहर हैं, लेकिन अब इन्हें भी पता लग चुका है कि हेडक्वार्टर के अंदर बहुत सारे आतंकवादी हैं, इसीलिए अंदर जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। फिर इन बातों को सुनने के बाद केमाल थोड़ी देर सोचता है और वो जाने लगता है दरवाजे की तरफ। तब उसे एक टैंक नजर आता है और अंदर का बंदा अब बंदूक तान देता है केमाल पे। तब केमाल उसे अपने बातों में फंसाने लगता है और कहता है कि तुम्हें जाकर के नेटवर्क जैमर को देखना चाहिए, वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है और इसीलिए टोलगा ने मुझे यहाँ पे भेजा है, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं अंदर ना जाऊं तब तुम जाकर के उसे ठीक कर सकते हो। फिर इस बात को सुनते ही वो बंदा टैंक लेकर के अंदर जाने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम इरफान की टीम को देखते हैं जो धीरे धीरे इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो रहे हैं और टूरन चला जाता है छत पे ताकि वो सिग्नल्स को ठीक कर सके। तभी अपने ऊपर देखते हैं एक आतंकवादी के हेलीकॉप्टर को जिसने इन लोगों को देख लिया है, इसीलिए अब ये सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन काया यहाँ से नहीं भागता, वो कैसे भी सिग्नल्स को ठीक करना चाहता है, इसीलिए वो अपने काम में लग जाता है। लेकिन अब बाकी लोग नीचे जाने लगते हैं ताकि वो जल्दी से हेलीकॉप्टर पे हमला करे और हेलीकॉप्टर काया का पीछा छोड़ दे। लेकिन अब काया जैसे ही सिग्नल्स को ठीक करता है वो कनेक्शन बनाने लगता है और उसकी बात होती है फाइटर प्लेन के पायलट से, जिसे वो पूरी बात बताता है। तब वो भी तैयार हो जाती है इनकी मदद करने के लिए और यहाँ पर आकर के हेलीकॉप्टर पे हमला करने के लिए। तभी हम इरफान की बाकी टीम को देखते हैं जो अब अंधाधुंध दुश्मनों के हेलीकॉप्टर पे गोलियां चला रहे हैं ताकि वो हेलीकॉप्टर काया का पीछा छोड़ दे। लेकिन अब हर जगह पे खौफ का माहौल है, चारों तरफ गोलियां चल रही हैं। इसीलिए टूरन भी कॉल करता है इरफान को और कहता है कि हमें यहाँ पे और बैकअप की जरूरत पड़ेगी। तभी काया देखता है कि उसने सिग्नल को ठीक कर दिया है और इस बारे में पता लग जाता है अब टोलगा को, इसीलिए वो आग बबूला होने लगता है और फिर से अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है सारे सिग्नल्स को तबाह करने के लिए। लेकिन अब केमाल जानता है कि यह बात पता है टोलगा को। फिर केमाल टोलगा से यहाँ पे कॉन्टेक्ट करता है और टोलगा को समझाने लगता है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है और वो अब तक बहुत सारे लोगों को मार चुका है, उसने अगर अपना नरसंहार यहीं पे नहीं रोका तब इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होगा। लेकिन अब टोलगा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जानता है कि केमाल उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए अपने साथियों को कहता है कि अब पूरे के पूरे बिल्डिंग में जितने भी कनेक्शंस हैं सारे के सारे कनेक्शंस को उड़ा दो ताकि सिग्नल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फिर ये सारे लोग लग जाते हैं सारे सिग्नल्स को उड़ाने में और एक बार फिर से हर जगह पे गोलियां चलने लगती हैं। तभी हम इरफान की टीम को देखते हैं जिनके पीछे वो हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, इसीलिए इन्हें भागना पड़ रहा है। लेकिन ये भागते भागते भी गोलियां चला रहे हैं उस हेलीकॉप्टर पे, लेकिन एक वक्त के बाद इन्हें आभास होता है कि हेलीकॉप्टर उनका खात्मा कर देगी, इसीलिए वो अपनी गाड़ी को लेकर के चले जाते हैं एक सबवे के अंदर और उसी टनल में बहुत देर तक बैठे रहते हैं और अंत में निश्चय करते हैं कि वो अपनी टीम को दो भागों में बांट लेंगे, आधे लोग जाएंगे हेलीकॉप्टर के पीछे और आधे लोग जाएंगे इनके बाकी साथियों के पास। फिर ये सब ऐसा ही करते हैं। तभी हम देखते हैं फाइटर प्लेन को जिसे अब नीचे का पूरा जायजा मिल रहा है और अब वो भी हमला करने के लिए तैयार है। तभी हम केमाल को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर मिलता है बाकी लोगों से और ये सारे लोग एक दूसरे को जिंदा देखने के बाद बहुत खुश है और अब ये सारे साथ मिलकर के लड़ना चाहते हैं। और काया भी केमाल को देखने के बाद बहुत खुश है, फिर वो उसे पूरी बातें बताने लगता है। अब केमाल को एहसास होता है कि इन लोगों ने कितने सारे लोगों को खो दिया और केमाल अब बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि वो बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। जब ये सब कुछ हो रहा था तब उसे उन लोगों ने बंधक बना करके रखा हुआ था, इसलिए अब केमाल
अपनी बंदूक बाहर निकाल लेता है और वो एक वक्त सोचता है कि वो अपने आप को उड़ा ले, लेकिन फिर वो रुक जाता है और सबको कहता है कि हमारा सबसे पहला टारगेट है टोलगा। ये सब कुछ टोलगा की वजह से हो रहा है, इसलिए हम सबसे पहले टोलगा को मारेंगे, उसके बाद हम बाकी लोगों के पास जाएंगे। तभी हम इरफान को देखते हैं जो पहुंचता है कर्नल के पास और उनसे पूछता है कि अब नया ऑर्डर क्या है और ये लोग कैसे हमला करने वाले हैं बाकी सारे आतंकवादियों पे। तब कर्नल अपनी स्ट्रेटजी बताने लगता है इरफान को। तभी इन्हें पता लगता है कि इनका साथी बुरी तरीके से घायल हो गया है, इसीलिए अब इनकी बात यहीं पर रुक जाती है और कुछ लोग चले जाते हैं उस घायल सिपाही को बाहर निकालने के लिए, लेकिन अब इरफान नहीं रुकना चाहता। तभी इनके पास उस्मान भी आ जाता है और उस्मान जाता है आर्मी वालों के पास और उनसे मदद मांगने लगता है और ये लोग फिर से प्लानिंग करने लगते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि बाकी आतंकवादी कहाँ पे हैं। तभी यहाँ पे इरफान भी आ जाता है और वो कहता है कि इतने लोग काफी नहीं है, हमें लोकल लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। इसीलिए सब लोग पहुँचते हैं यहाँ के लोकल लोगों के पास और उन्हें पूरी बात बताते हैं कि उन्हें उनकी मदद की कितनी जरूरत है और उनकी छोटी सी मदद इन्हें युद्ध जिता देगी, वरना अगर टोलगा आगे आया तब वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और हर तरफ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मौत का मंजर होगा। तब इन बातों को सुनने के बाद लोकल लोग भी मान जाते हैं और सब इनके प्लानिंग में शरीक हो जाते हैं। फिर इरफान इन्हें बताता है कि इनका पहला टारगेट हेडक्वार्टर है, लेकिन अब आधे लोग घायल सिपाहियों को लेकर के चले जाते हैं हॉस्पिटल ताकि उनका उपचार हो सके और अब एक एक करके सबका उपचार होने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम बाकी सिपाहियों को देखते हैं जो पहुंच चुके हैं हेडक्वार्टर के पास। तब तक आतंकवादी भी इन्हें देख लेते हैं, इसीलिए चारों तरफ अंधाधुन गोलियां चलने लगती हैं और ये बहुत देर तक यहाँ पे गोलीबारी ऐसे ही होती रहती है। तब ये लोग समझ जाते हैं कि ऐसे ये लोग इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तब ये लोग फिर से अपनी टीम को बांटते हैं और सबसे खतरनाक हथियारों के साथ टूरन को आगे भेजते हैं कि वो दूसरी तरफ से जा करके इन पे हमला करे। तब काया इनसे अलग हो जाता है और वो अपने हाथ में एक झंडा लेता है और चला जाता है टैंक की तरफ ताकि सारे लोग उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाए, और ऐसा होता भी है। अब सब सिर्फ और सिर्फ काया को देख रहे होते हैं, तब बाकी लोगों को समय मिल जाता है। तभी यहाँ पर केमाल की नजर पड़ती है टोलगा पे और वो समझ जाता है कि टोलगा यहाँ से भागने वाला है। इसी बीच यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और जैसे ही केमाल हेलीकॉप्टर को देखता है वो अपने सारे सिपाहियों को कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर पे गोली चलाओ ताकि हेलीकॉप्टर नीचे ना आए, क्योंकि अगर एक बार वो नीचे आ गया तब टोलगा यहाँ से भाग जाएगा। इसीलिए सारे लोग हेलीकॉप्टर पे गोली चलाने लगते हैं। तब केमाल पहुंच जाता है टोलगा के पास, फिर इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगती है, लेकिन केमाल भारी पड़ता है टोलगा पे, इसीलिए वो उसे पीठ के नीचे गिरा देता है। तब टोलगा उसे बताता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारना चाहता था, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। लेकिन अब केमाल पे इन बातों का कोई भी असर नहीं होता, इसीलिए वो अपनी बंदूक निकालता है और यहीं पे टोलगा का काम तमाम कर देता है। फिर टोलगा के मरते ही सारी चीजें धीरे धीरे करके शांत होने लगती हैं और सुबह हो जाती है। तब हम टूरान और केमाल को देखते हैं, ये दोनों यहाँ की स्थिति के बारे में बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे से वादा भी करते हैं कि हर वक्त ये दोनों एक साथ रहेंगे और किसी भी लड़ाई में किसी को भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तभी हम टर्किश लीडर मुस्तफा को देखते हैं जो जनरल से बात कर रहा है और अब यहाँ के नियमों में फिर से बदलाव हो रहा है और कुछ नए नियमों को ऐड किया जा रहा है। तभी हम सड़क पे घायल सिपाहियों को देखते हैं, लेकिन अब सारे लोग उनकी मदद के लिए आगे आ चुके हैं, इसीलिए वो सब इनका उपचार कर रहे हैं। इसी बीच हम फाइटर प्लेन की पायलट को बाहर आता हुआ देखते हैं और दूसरी तरफ काया भाषण दे रहा है कि रात कितनी ज्यादा कठिन थी और इन लोगों ने अपने 51 साथियों को खो दिया, जो कि बहुत ही दुखद पल है इनके लिए। लेकिन इनके लिए खुशी की बात ये है कि रात वाले युद्ध को इन लोगों ने जीता, और युद्ध को इन लोगों ने सिर्फ इसीलिए जीता क्योंकि सारे लोग एक साथ मिलकर के लड़े, यहाँ के आम इंसान भी। इसीलिए सेना बहुत ही ज्यादा खुश है और उन्हें लगता है कि वो अब किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। तभी हम देखते हैं इरफान को जो अपनी बेटी के मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी है। तभी यहाँ पे चीफ भी आ जाता है और वो उसे आश्वासन देने की कोशिश करता है। इसी बीच हमारे सामने टेक्सास का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी गाड़ी को देख रहा है और वो लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके पास एक गाड़ी आकर के रुकती है और इसमें दो लोग हैं जो टर्किश स्पेशल फोर्सेस से हैं। फिर वो इस आदमी को डिक्की में बंद करते हैं और लेकर के जाने लगते हैं टर्की की तरफ, क्योंकि रात जो हादसा हुआ था उसमें इस आदमी का भी हाथ है और अब स्पेशल फोर्सेस वाले किसी भी उस आदमी को नहीं छोड़ेंगे जिसका हाथ रात वाली घटना में। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।